कोरोना टीकों के संकट के बीच देसी वैक्सीन कंपनी जायडस कैडिला से जुड़ी बड़ी खबर आई है। जानकारी मिली है कि इस वैक्सीन का ट्रायल लगभग पूरा हो गया है और अगले कुछ महीनों में इसे बच्चों को लगाया जाना शुरू भी किया जा सकता है। कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एन के अरोड़ा की तरफ से ये बात कही गई है। एन के अरोड़ा ने बताया है कि जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है। अब जुलाई के आखिर में या फिर अगस्त में हो सकता है कि इसे 12 से 18 साल के बच्चों को लगाया जाना शुरू किया जाए। फिलहाल देश में 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना टीका लगाया जा रहा है। बता दें कि तीसरी लहर से पहले केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना टीका लगाना चाहती है, लेकिन वैक्सीनेशन में तेजी तभी आ सकती है जब देश के बाद बड़ी संख्या में कोरोना टीके हों। अगर जायडस कैडिला को ट्रायल के नतीजे ठीक रहने पर जल्द ही मंजूरी मिल जाती है तो इससे कुछ राहत मिलेगी। अब 18 जून 2021 को ही खबर आई थी कि जायडस कैडिला अगले 7 से 10 दिनों में कोरोना वैक्सीन जायकोव डी के इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर मंजूरी के लिए अप्लाई कर सकती है। फिलहाल भारत में 3 कोरोना टीकों को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। इनमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक शामिल है। तीसरी लहर में बच्चों पर कोरोना की ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। ऐसे में अगर 12 से 18 साल के बच्चों को जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन लगने लगेगी तो इससे राहत मिलेगी। जायडस कैडिला के टीके में 3 खुराक। जायडस कैडिला की ये वैक्सीन दुनिया भर की अन्य वैक्सीन से काफी अलग है। दरअसल ज्यादा वैक्सीन की 2 डोज लगाई जाती हैं, फिर चाहे कोविशील्ड, स्पुतनिक, कोवैक्सीन आदि क्यों न हो, लेकिन जायडस की इस वैक्सीन की 2 नहीं बल्कि 3 डोजेज लगाई जाती हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।